आई एवरी वन वेलकम टू करेंट क्रंच तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर फैमिली मैरेज एंड किनशिप तो पहले हम सल्यूशन वीडियो जो है सल्यूशन डिस्कस करते हैं कोइज नंबर टू के जो कोइज़ मैंने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में अपलोड कर दिया था टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने अभी ज्वाइन नहीं किया है तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो वो पहले आप प्लीज़ ज़रूर जॉइन करें उसमें मैं पी डी एफ वगैरह एंड क्वेज जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट जो भी मटीरियल है इस एग्ज़ाम को लेकर वो रेगुलरली अपलोड करती रहती हूँ तो पहले डिस्कस करते हैं मुझे बस एक ही स्टूडेंट के आंसर्स आए हैं जिनके इनिशियल्स हैं आई क्यू इन मेजोरिटी आंसर्स जो है वो सही हैं आप भी अटेम्प्ट करें एंड इफ़ यू वांट आप मुझे आंसर्स जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं जो भी आपके लिए फिजिबल रहेगा तो डिस्कस करते हैं वो क्विज आर एम मकाइवर के अकॉर्डिंग एसोसिएशन इन द कंटेक्ट ऑफ सोशल वेलफेयर है आ, वो क्या है ठीक है उसको आप डिफाइन करो रैंडम गैदरिंग ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं है तो जहां पे भी एसोसिएशन है पहले आपको क्या देखना है कोई एक गोल्स होंगे कोई इंटरेस्ट होते हैं कलेक्टिव इंटरेस्ट ठीक है उनको लेके एक पर्पज दिमाग में रख के एसोसिएशन को फॉर्मली बनाया जाता है तो ग्रुप ऑर्गेनाइज फॉर द पर्सेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ये होगा या ऑर्गेनाइजेशन डेलिब्रेटली फॉर्म फॉर द कलेक्टिव पर्सेट ऑफ शेयर इंटरेस्ट ठीक है और फॉर्मल इंस्टीट्यूशन विद स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ये भी इसमें सही नहीं लग रहा है ये भी नहीं लग रहा है अब देखो ये ऑर्गेनाइजेशन आप डेलिबरेटली फॉर्म करते हो खुद से ठीक है कलेक्टिव किस इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए जो शेयर इंटरेस्ट होते हैं सारे मेंबर्स के वो किसी इंडिविजुअल का इंटरेस्ट सिर्फ नहीं होता है वो शेयर्ड इंटरेस्ट होते हैं अगर उसमें दस मेंबर्स हैं एसोसिएशन में या सो मेंबर्स हैं तो वो सो के इंटरेस्ट को कलेक्टिवली क्या करेगा दिखाएगा तो आपका सी इसका आंसर है वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टेटमेंट नो सिंगल एसोसिएशन कैन सेटिस्फाई ऑल द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो एसोसिएशन है काफ़ी टाइप्स की होती हैं क्योंकि एक एसोसिएशन में हर कोई गोल आप पूरा नहीं कर सकते फॉर एग्जांपल ट्रेड यूनियन अलग है अकॉर्डिंगली आपकी आर्ट रिलेटेड इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन अलग होते हैं जैसे आपकी फुटबॉल एसोसिएशन अलग है ठीक है तो हर चीज़ को लेके हर इंटरेस्ट को लेके एक अलग एसोसिएशन बनती है तो इसका क्या आंसर होगा ये एम्फेसाइज करता है नीड ऑफ डाइवर्सल इंटरक्शन करते है, in या for तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा इसमें ये हाईलाइट करते हैं लिमिटेशन ऑफ एसोसिएशन इन फुलफिलिंग इंडिविजुअल इंटरेस्ट कि हर इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है फुलफिल नहीं कर सकता इसीलिए हमारे पास क्या होते है हमें Uh, सारे इंडिविजुअल्स को सैटिस्फाई करने के लिए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को अलग तरीके से करने के लिए हमारे पास अलग अलग एसोसिएशन बनती हैं इन कॉन्टेक्स एसोसिएशन स्पिरिट इम्प्लाय तो कोऑपरेटिव स्पिरिट क्या होगा कॉम्पिटेटिव अप्रोच होगा तो ये यहीं पे कैंसिल हो जाता है इसकी वर्ड पर एक कोलाबरेटिव और सपोर्टिव एटीट्यूड अमंग मेंबर्स ठीक है या हायरिकल स्ट्रक्चर होगा जहां पे हमने हायरिकी पढ़ा था कहाँ पढ़ा था हमने स्टार्टिफिकेशन में तो वहां पे इन वाला कॉन्सेप्ट आ गया तो कॉपरेटिव स्पिरिट तो नहीं होगा और फोकस ऑन द इंडिविजुअल गोल्स और कलेक्टिव पर्सिट्स दैट मीन्स क्या आप सबके गोल्स से ऊपर इंडिविजुअल का गोल रखते हो आप खुद को पूरी कम्युनिटी या सोसाइटी से ऊपर रखते हो ये भी नहीं आएगा कॉपरेटिव स्पिरिट में तो कॉपरेटिव स्पिरिट में क्या आएगा कोलाबरेटिव एंड सपोर्टिव एटीट्यूड अमंग देंबर्स वॉट कैरेक्टरिस्टिक स्टिक द दॉरपोरेट कैरेक्टर ऑफ ऑफ एन एसोसिएशन कॉरपोरेट कैरेक्टर क्या होता है किसी भी एसोसिएशन का इसका एक फॉर्मल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वट इज द मेन फोकस ऑफ सोशल स्टार्टिफिकेशन स्टार्टिफिकेशन का मेन फोकस क्या है ये हमने इन डिटेल डिस्कस किया था इसमें हमारे चैप्टर में पहले मैं इसको थोड़ा इनक्रीज कर देती हूँ जूम इन कर देती हूँ तो मेन फोकस क्या है सोशल का दिस इज योर डिफरेंसेस ये हाईलाइट करते हैं ना यूनिटी नहीं है इसमें इक्वालिटी भी नहीं है क्योंकि इनइक्वालिटी आ जाती है इसमें होमोजेनिटी भी नहीं है क्योंकि होमो होमोमीन्स होता है जो सेम चीजें होती हैं तो इसमें आपको हेटीरोजिनिटी देखने के लिए मिलती है ना कि होमोजेनिटी होमोजिनिटी हेटीरोमीन्स आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हाउ आर सोशल डिफरेंसिस ट्रांसफॉर्म्ड इन टू इनक्वालिटीज इन सोसाइटी कैसे ट्रांसफॉर्म होती है नेचुरली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी नहीं कल्चरल एसिमिलेशन से एसिमिलेशन होता है जब सारे कल्चर मिलते हैं इकट्ठे क्या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से होगी नहीं तो ये किससे होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कार्ल मार्क्स मैंने आपको कहा मार्क्स आइडियोलॉजी इन्होंने डिटरमाइन किया था सोशल स्टार्टिफिकेशन को इन हिज थियरीज ऑफ इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म ठीक है तो वो किससे रिलेटेड है आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स से तो जहाँ भी कार्ल मार्क्स देखोगे या मार्क्स इन थीम मार्क्स इन आइडियोलॉजी मार्क्स इन पर्सपेक्टिव तो आपको हमेशा याद रखना है वो चीज़ किससे रिलेटेड होगी आपकी इकोनॉमी से इकोनॉमिक फैक्टर्स से ठीक है इकोनॉमिक फैक्टर्स से वट इज द पर्प ऑफ फंशनल थी सोशल स्टार्टिफिकेशन डेविस आपको बोल दिया था इनका एक और चीज इसमें याद रख लेना इनका सबसे बड़ा क्रिटिक जो था उसका नाम था मेलविन ट्यूमिन ठीक है जिन्होंने इसको इस इनकी थियोरी को क्रिटिसाइज किया था और कहा था कि सही बात नहीं बोल रहे तो डेविस मोरे जो है इन्होंने फंक्शनल पर्स्पेक्टिव दिया था आपको सोशल स्टार्टिफिकेशन का फंक्शनलिस्ट थियोरी जो इनकी काफी फेमस है अब अगर डेविस एंड मोरे दोनों ऑप्शन में आ जाए ये दो अलग अलग इंसान है विलबर्ट मोर एंड आप वरना आपका क्या होता है फोर फ्रेमवर्क वाला काइंड भी नहीं आएगा एंड रेस ये भी इसमें नहीं आएगा वट डज द टर्म कास्ट मीन इन स्पेनिश और पर्चुगीज क्या होता है इसका मतलब लीनिएज ठीक है और एक टर्म भी है इसका अगर आपको वो याद होगा तो कमेंट्स में बताएं वो स्लाइड्स में मेंशन है अकॉर्डिंग टू चतुर्वर्णा डॉक्टर हाउ मेनी वर्नाजर इन हिंदू सोसाइटी कितने हैं आपके ब्राह्मण एंड शूद्राज दैट इज योर फोर उसके बाद लेटर ऑन इसमें और एड हो गए थे अनटचेबल्स वो फिफ्थ वर्नाथ है बट दैट इज आउटसाइड द एम्बेट ऑफ योर फोर वर्नाज अगर वर्नाज कितने हैं तो आपको फोर ही लिखना होगा क्योंकि हिंदू सोसाइटी के अकॉर्डिंग ये फोर वर्नाज ही थे वट वॉज ऑरिजिनल बेस ऑफ वर्ड सिस्टम ड्यूरिंग वैदिक पीरियड मैंने कहा वैदिक पीरियड में जो कास्ट सिस्टम है वो ज्यादा रिजिड नहीं था अगर कास्ट सिस्टम चार वर्नास डिवाइडेड भी थे सोसाइटी में तो वो ऑन द बेस ऑफ डिविजन ऑफ लेबर थे कि ब्राह्मण्स का एक काम है पाठ पूजा वाला क्षेत्रियास का वॉरियर फाइटिंग वाला वेशवास का बिजनेस वाला एंड शूद्रास का जो रिमेनिंग काम बचता है इन तीन कास्ट का जो काम बचेगा का, उसके अलावा वो कौन करेंगे शूद्रास तो ऑक्यूपेशनल डिविजन ऑफ लेबर इसका होगा इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना इसको रिलीजन कहीं आंसर नहीं कर देना क्योंकि वो लेटर वैदिक पीरियड में आके आके कास्ट सिस्टम ज्यादा रिजिड हो गया था और उसमें फिर ज्यादा करप्शन आ गई थी और

ठीक है तो ये हो गया आपका वीडियो नेक्स्ट क्वेज भी मैं जल्दी लेके आऊंगी लेकिन लेके आने का फायदा तभी है अगर आप वो रेगुलरली अटेम्प्ट करते रहेंगे ठीक है तो आगे हम हमारा फैमिली मैरिज किनशिप चैप्टर जो है वो ये करेंगे आ, स्टार्ट करते हैं ठीक तो, है तो जो आपका फर्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर वन उसमें कुछ टॉपिक्स अभी और ऐड करना बाकी है तो उसके लिए आप परेशान नहीं हो जाना जो भी उसमें एडिशंस होंगी वो मैं करूंगी आपको जो भी स्पेशलाइजेशन के अंडर जो भी टॉपिक्स मिलते हैं वो सारा इन वीडियोज में मिल जाएगा तो उसमें आपको किसी भी चीज़ में वरी करने की ज़रूरत नहीं है तो फैमिली मैरिज किनशिप ये सारा हमारा मैरिज सिस्टम ये सब कम्प्लीट हो गया ठीक है फैमिली भी हो गया काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इमसिक्यूज़ बनते हैं इससे तो थोड़ा ड्राई हो सकता है काफ़ी इसमें आपको रॉट मेमोरी यूज़ करनी है रट्टा काफ़ी लगाना है बट देन यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन आपको करना ही पड़ेगा तो ये आपका फैमिली वगैरह ये भी सारा क्लियर हो गया आई होप ये भी आपको सारा समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आज से आपकी किनशिप से ठीक है ये भी थोड़ा बहुत है तो सिंपल ही बस कुछ टर्म्स हैं यहां पे इन डेप्थ में मैंने लिखे हुए हैं पीपीटीज आपको मिल जाएंगी डिटेल लेकिन वो समझने में काफी सिंपल सिंपल सी चीजें हैं तो किनशिप अगर हम बेसिक समझने की कोशिश करें किनशिप होता क्या है बिल्कुल लेम एंड टर्म्स में जिसका कोई लेना देना नहीं है सोशोलॉजी से उसके लिए मैं बोलती हूँ किनशिप आपके रिश्तेदार हैं सिंपली ठीक है simply, आपके रिलेटिव्स उसमें कौन आ गया आपके अंकल आंटिया मासी उनके कजन उनके बच्चे फिर आपके कजन वो सारा एक ग्रुप जो है वो आपका मिलकर किन्स ग्रुप बनाता है या उसको हम किनशिप सिस्टम बोलते हैं ठीक है ये किनशिप सिस्टम है सेट ऑफ पर्सन रिकोगनाइज इधर बाई वर्चू ऑफ ब्लड और बाय मैरिज अब ये जो आपका किन ग्रुप बनता है वो कैसे बनता है या तो ब्लड रिलेटिव होते हैं जैसे आपके कजन आपके ब्लड रिलेटिव है सिबलिंग्स या तो थ्रू मैरिज बनता है अब आपके जो हस्बैंड है उनकी फैमिली है उनके कजन है उनके पेरेंट्स है वो भी आपके रिलेटिव बन गए वो भी आपके किन ग्रुप बन गए आपकी मदर इन लॉ है डॉटर इन लॉ हो गई फादर इन लॉ है ब्रदर इन लॉ वो भी आपके रिलेटिव बन गए तो या तो आपके जो किन ग्रुप है वो ब्लड की थ्रू एक्सटेंड होता है ब्लड रिलेशनशिप के थ्रू या तो मैरिटल रिलेशनशिप के थ्रू ठीक है आई होप इट्स क्लियर अगर आपको लग रहा होगा मैं तेज़ पढ़ा रही हूँ तो आप क्या करोगे यूट्यूब में जाके स्पीड एक ऑप्शन होता है उसमें नॉर्मल से थोड़ा कम कर दोगे ठीक है तो आपको मेरी आवाज़ जो है वो कम स्पीड में ऐसे मिलेगी इन सोशोलॉजिकल इन सोशोलॉजी जितने भी ब्लड रिलेटिव्स हैं उनके लिए एक टेक्निकल टर्म है कॉन्सनगुनिटी ठीक है तो जहाँ पे आप कॉन्सनगुइंस देखोगे वो रिलेटेड होगा आपके ब्लड रिलेटिव से तो ये टर्म याद रख लेना एग्जाम में ऐसे ही आएगा एग्जाम में ब्लड रिलेशनशिप लिखने के चांसेस कम है एंड कॉन्सनगुइंस के चांसेस ज्यादा है ठीक है सिमिलरली जितने रिलेशनशिप थ्रू मैरिज है उनको हम बोलते हैं एफिनिटी टर्म तो उन किन्स को हम एफिन्स भी बोलते हैं तो जहां पे भी एफिन्स देखोगे आप ऐसे करके याद रख सकते हो मैरिज किस पे बेस्ड होती है अफेक्शन पे तो जहां पे भी ए एफ एफ रिलेटेड आप कुछ भी देखोगे वो आपके मैरिटल बॉन्ड के रिलेटेड होगा और उसका दूसरा है कॉन्सिक्वेंस वो आपके ब्लड के इस पे होता है डिपेंड फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप बिटवीन मदर और उनके बच्चों के सिस्टर और सिबलिंग्स फादर सन डॉटर ये सारे कॉन्सेगिनल हैं ये ब्लड रिलेटिव हैं लेकिन जो रिलेशनशिप है आपके फादर मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ सन इन लॉ वो एफिनल हैं ठीक है थीके? तो इन वाले किन्स को एफिन भी बोला जाता है तो जो मेन अप्रोचेज हैं टू द स्टडी ऑफ किनशिप सिस्टम इन इंडिया उसको दो में डिवाइड किया है एक आपका इंडोलॉजिकल अप्रोच है एंड सेकंड इज वे एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच ठीक है तो इंडोलॉजी क्या होता है जैसे हमने सोशोलॉजी uh, स्टार्टिंग हमने जब पढ़ी तो मैंने आपको कुछ स्कूल्स ऑफ थॉट बताए थे जो मेन आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट थे अदरवाइज ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है तो हम मैं मैंने आपको कहा था फ़ंक्शनलिस्ट होते हैं जो हर चीज़ को फंक्शनल व्यू में देखते हैं एंड दूसरे आपके मार्क्सिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के लोग हैं जो हर चीज़ को एक प्रिज़्म से देखते हैं कि सोसाइटी में जो भी हो रहा है एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो रहा है और कॉन्फ्लिक्ट क्यों है क्योंकि इकनॉमिक इनकवालिटी है सोसाइटी में ये हमने पढ़ लिया था फंक्शनलिज्म एंड मार्क्सिज्म जब हम इंडियन सोसाइटी पढ़ते हैं तो उसमें भी कुछ पर्सपेक्टिव्स आएंगे फिर तो इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है इंडियन सोसाइटी का जिसने क्या किया था उन्होंने इंडियन सोसाइटी को पढ़ा था बुक व्यू से ठीक है दैट मीन जो भी टेक्स्ट और लिटरेचर है आपके पास चाहे वो रिलीजियस टेक्स्ट हो या कोई फॉरेन ट्रैवलर्स आते थे इंडिया फिर वो अपने डॉक्यूमेंट्स लिखते थे वो उनको ट्रैवलॉग्स बोलते हैं वो ट्रैवलॉग हो ठीक है वो, वो कोई डॉक्यूमेंट हो वो लिटरेचर हो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हो उन सब चीज़ों से आप पढ़ के फिर ये एनालाइज करने की कोशिश करते थे जो भी स्कॉलर्स थे कि इंडियन सोसाइटी किस तरीके की होगी उस पर्सपेक्टिव को हम इंडोलॉजी बोलते हैं इसके ऑपोजिट में दूसरा पर्सपेक्टिव आपका आया था फील्ड व्यू ठीक है जो क्या करते थे अगर उनको किसी विलेज को स्टडी करना है बुक व्यू वालों को तो स्क्रिप्चर्स देखेंगे क्या स्क्रिप्चर्स क्या डॉक्यूमेंट्स लिखे गए हैं उनके बारे में रिलीजन ने उन लोगों के बारे में क्या कहा है ठीक है ट्रेवलॉग्स में क्या लिखा है लेकिन फील्ड व्यू वाले लोग क्या करते थे वो फील्ड में जाते थे वो उस गाँव जाएंगे जिसको स्टडी करना है वहां चाहे उनको एक साल रहना पड़े दो साल रहना पड़े और वहां जाके वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो है वो लेके आएंगे उनको स्टडी करके तो ये बुक व्यू और फील्ड व्यू हो गया यहाँ पे आपको फील्ड व्यू से कुछ नहीं करना है ये कहने का क्या

वो आपके टेक्स्ट बताते ठीक है तो और उस व्यू को अप्रोच को हम बोलते हैं इंडोलॉजिकल अप्रोच उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम देखो के एम कपाड़िया पी एच प्रभु इरावती कारवेन जी एस गुरिये हो सकता है एग्जाम में आ जाए कोई ऐसा एक नाम आपको क्लिक हो जाएगा बुक व्यू टेक्स्ट व्यू कभी क्या होता है इन जरूरी नहीं इस वाले स्लाइड में से डायरेक्ट क्वेश्चन आए लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पे हो सकता है कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए अब दूसरा कौन सा व्यू था आपका एंथ्रोपोलॉजिस्ट व्यू एंथ्रोपोलॉजिस्ट व्यू जो है इसके अंडर हम स्टडी करते हैं किनशिप सिस्टम को दो थेरीज में एक होगा आपका डिसेंट एंड एक होगा आपका एलायस ठीक है जो डिसेंट अप्रोच है इसके दो इंपॉर्टेंट नाम है रेड ब्राउन एंड फोर्टेस्ट तो डिसेंट अप्रोच क्या कहता है यूजुअली हम अपनी जो इनहेरिटेंस है चाहे वो स्टेटस के लिए हो या प्रॉपर्टी के लिए हो वो कहाँ से ट्रेस करते हैं चाहे वो स्टेटस हो या प्रॉपर्टी हो वो इन्हेरिटेंस हम कहाँ से ट्रेस करते हैं ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम वो मदर साइड से ट्रेस करेंगे या फादर साइड से ट्रेस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा कोई ग्रुप बनेगा ग्रुप ऑफ रिलेटिव बनेंगे कि हम कहा से ट्रेस कर रहे हैं अगर आप फादर साइड से ट्रेस कर, तो कर रहे हो तो फादर ग्रैंड फादर वो सारा एक ग्रुप बनाएगा ठीक है अगर आप मदर साइड से ट्रेस कर रहे हो तो मेट्रिलीनियल मदर फिर ग्रैंड मदर ठीक है तो वो सारा एक ग्रुप बनाएगा फाइन तो उस अप्रोच को हम डिसेंट अप्रोच बोलते हैं दैट मींस आप अपनी इनहेरिटेंस जो है वो कहाँ से ट्रेस कर रहे हो ट कारपोरेट सोशल आपको मिलते हैं ना किनशिप से या तो आप मदर साइड से कोई बात कर मेट्री साइड से या पेट्री साइड से ठीक है या आप बोथ साइड से कोई बात करे तो बेसिकली आपको क्या मिल रहा है आपको कोई ग्रुप मिल रहे हैं क्लियर कट ग्रुप मिल रहे हैं क्या आप मदर वाली लाइन ट्रेस करते हो कि फादर वाली और ईच वन ऑफ आस जो है हम मेंबर हैं इन्हीं कोऑपरेटिंग एंड क्लोजली बाउंड ग्रुप ऑफ पीपल के ठीक है तो ये हो गया आपका डिसेंट अप्रोच इसके बेसिस पे फिर कुछ डिसेंट्स हम आगे ये करेंगे कि कौन कौन से टाइप के डिसेंट्स जो है आप ट्रेस करते हो ये समझ गए ना यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना दो अप्रोचेस है स्टडी करने के लिए इंडोलॉजिकल एंड एंथ्रो इंडोलॉजिकल हो गया खत्म बुक व्यू तक स्टॉप अब एंथ्रो के अंदर दो थे आती हैं जिसे हम अपना जो किनशिप ग्रुप है वो ट्रेस करते हैं एक तो हो गया डिसेंट अप्रोच डिसेंट होता है जब जहां से आप अपनी जो इनहेरिटेंस ट्रेस करते हो स्टेटस हो चाहे प्रॉपर्टी हो कहाँ से मिलती है अगर आपको फादर की प्रॉपर्टी मिल रही है दैट मीन्स आप पेट्रिलियल ग्रुप में बिलोंग करते हो ठीक है तो वो सारे टाइप्स जो है वो डिसेंट में आएंगे पेट्रीलिनल हो गया जहाँ पे डिसेंट चाहे वो प्रॉपर्टी हो गया इनहेरिटेंस हो गया स्टेटस आपका कहाँ भी वो मेल लाइन से ट्रांसफर होता है फ्रॉम फादर टू सन ठीक है मेट्रीलिनियल हो गया फीमेल लाइन से फ्रॉम मदर टू डॉटर डबल लीनियल उसको डु लीनियल या बाईलियल भी बोला जाता है इसमें जो डिसेंट है इस ट्रेस इन बोथ द फादर्स लाइन एज वेल एज द मदर्स लाइन फॉर डिफरेंट एट्रीब्यूट दैट मीन कुछ चीजें आपको फादर लाइन से मिलेंगी कुछ चीजें मदर लाइन से मिलेंगी अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है फॉर एग्जाम्पल मूवेबल प्रॉपर्टी आपको फादर से मिल रही है इमूवेबल मदर से मिल रही है ठीक है तो कुछ चीजें आपको फादर की मिल रही हैं, कुछ मदर की मिल रही हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या हो गया जैसे आपकी कार आपको मिल गई फादर की या आपको ज्वेलरी मिल जाती है वो सारी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टीज होगी जो आप मूव कर सकते हो इमूवेबल हो गया लैंड वगैरह तो अगर लैंड ट्रांसफर आपको फादर साइड से मिल रहा है मतलब हो गया ना कुछ एट्रीब्यूट फादर से मिले एंड कार ज्वेलरी वगैरह आपको मदर से मिल रहा है तो इसको हम बोलेंगे डबल लीनियल और आता है आपका बायोलेटरल ये लीनियल है और ये लेटरल है इसमें क्या होता है एट्रीब्यूट जो होते हैं वो इक्वली ट्रांसमिट होते हैं बोथ द पेरेंट्स से इक्वल होता है और यहाँ पे क्या होता है डिफरेंट एट्रीब्यूट ट्रांसमिट होंगे इसमें किसके कितने होंगे कम होंगे ज्यादा होंगे उसकी बात नहीं होती है बायोलेटरलो कॉग्नेटिक भी बोलते हैं इसका मतलब होता है ट्रांसमिटेड इक्वली थ्रू बोथ पेरेंट्स नो यूनिलिनियल ग्रुप्स कैन बी फॉर्म बट ग्रुप स्ट्रक्चर कैन बी कॉग्नेटिक दैट इज ग्रुप ऑफ पर्सन ऑन फादर्स एंड कॉग्नेटिक्रुपनल साइड यूनिलिनियल ग्रुप क्या होगा दैट मीन्स इधर मदर होगा या फादर होगा तो बायोलिटरल में यूनिक ग्रुप्स नहीं बनते हैं इधर मदर और फादर नहीं है मदर एंड फादर उनकी जो चीजें हैं दैट आर इक्वली ट्रांसमिटेड टू यू ठीक है वो हो गया आपका कॉग्नेटिक अब देखो ये इस चीज में लेके ना काफी कंफ्यूजन होता है अलग अलग बुक्स में अलग डेफिनेशन होगा लेकिन इस पर्टिकुलर के लिए जो मैंने सोर्स रेफर किया है वो इग्नो है और इग्नो मटेरियल होगा आपका जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मोस्ट अथेंटिक होगा क्योंकि इग्नो सोर्स जो है वो गवर्नमेंट का सोर्स है ठीक है तो अलग बुक्स में क्या लिखा है अलग वीडियोज में क्या बोल रहे हैं आप उस पर नहीं जाना क्योंकि ये मटीरियल जो है सबसे ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स से मैंने लिया है ये डेफिनेशन क्योंकि इसमें काफी कंफ्यूजन होता है अलग अलग बुक्स में काफी अलग तरीके से लिखा होता है ठीक है आपको मोस्ट ऑथेंटिक फॉर्म ही फॉलो करना है और मोस्ट ऑथेंटिक आपके एनसीआर टीज है एंड इग्नोर्स है क्योंकि ये गवर्नमेंट के ही मटीरियल हैं इसमें उल्टा होता है मैन करेगा डॉटर को एंड मदर करेगी सन को फादर करेगा डॉटर को ठीक है ये काफी रेयर होते हैं अभी कुछ नाम है जो आप इन चीजों से रिलेट कर लोगे ठीक है डिसेंट थियोरी से आपका इ के गो हो गए टी एन मैदान हो गए एंड सोशलॉजिस्ट लाइक मेयर मदान एंड ऑस्कर लेवाइस ठीक है तो इन्होंने क्या किया वाइल्स स्टडिंग किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने डिसेंट अप्रोच का यूज किया है तो डिसेंट अप्रोच में आपने कौन से नाम पढ़े? गो टी एन मैदान टी एन मैदान ने गपन, कश्मीरी ब्राह्मण सोसाइटी उस पर अपनी रिसर्च करी थी एंड ऑस्कर लेवाइस ठीक है ये तीन नाम आप याद रखोगे दूसरा आपका अलायंस अलायंस अप्रोच अप्रोच क्या होता है जिसमें आपका किनशिप ग्रुप जो है है वो बनता है, किस पे ऑन द रूल्स ऑफ मैरिज तो अलायंस हम किसको बोलते हैं जो अलायंस अलायंस होता है एक्चुअली दो पार्टीज का मिलना होता है जब आपके ब्लड रिलेटिव्स की बात आती है दो पार्टीज का मिलना उसमें नहीं होता क्योंकि नेचुरली प्रोग्रेशन में नेचुरल रिप्रोडक्शन में फैमिलिया बनती जाती हैं लेकिन अलायंस में दो पार्टीज का क्या होता है इसमें मिलन होता है दो पार्टीज मिलती हैं आपस में तो जहां पे भी अलायंस अलायंस अप्रोच से रिलेटेड देखोगे वो हमेशा मैरिज से रिलेटेड होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में तो इनके साथ नाम जुड़ा है इंपॉर्टेंट लेवी का ठीक है मैरिज हो गया जब सोशोलॉजिस्ट वेन दे पे स्पेशल अटेंशन टू दीज आस्पेक्ट ऑफ किनशिप वी से दैट ही इज फॉलोइंग द अलायंस अप्रोच अब अगर अब बेसिकली हमें अप्रोच क्यों पढ़ रहे हैं अगर कोई थियरिस्ट जो होंगे स्कॉलर्स वगैरह वो डिसेंट अप्रोच से कोशिश करेंगे किनशिप ग्रुप को स्टडी करने की तो उनको डिसेंट अप्रोच बोला जाता है वो डिसेंट अप्रोच वाले हैं अगर कोई आप शादी के पैटर्न से कोशिश करेंगे कि कौन से किन्स ग्रुप बनते हैं ठीक है तो उनको हम कौन सा बोलेंगे वो अलायंस अप्रोच फॉलो करें तो बेसिकली हमने पढ़ी दो ब्रॉड अप्रोचेस किन्न ग्रुप को स्टडी करने के लिए एक आपका इंडोलॉजिकल अप्रोच है एंड एक आपका एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच है ठीक है ये विजिबल है आप लोग पहले मैं चेक करती हूँ हाँ फिर एंथ्रोपोलॉजिकल में आप दो थियरीज पढ़ते हो एक डिसेंट थियोरी एंड में, uh, में कुछ और भी नाम आपको बीच में देखने को मिलेंगे अगर एग्जाम में वो नहीं आते हैं जो डोमिनेंट नाम है मेन जैसे यहाँ पे रेडक्लिप ब्राउन एंड फोर्टेस से अगर ये नहीं आते हैं उनकी जगह ये नाम आ गए तो आपको क्लिक हो जाएगा ये किसके बारे में बोल रहे हैं इसका और एक नाम है लुई डिमॉट ठीक है लुई डिमोन ने क्या किया था द रोल ऑफ रोल प्ले बाई मैरिज इन बिल्ड ऑफ इन द फील्ड ऑफ किनशिप इन साउथ इंडिया हमें किनशिप पैटर्न पढ़ने हैं रीजनल पैटर्न साउथ में क्या है और नॉर्थ में क्या है ठीक है नॉर्थ का हमने किससे पढ़ा था ऑस्कर लेवाइस टी एन मैदान ए सी मेयर इन्होंने नॉर्थ इंडिया में किनशिप ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ा था एंड लुई डिमोन ने साउथ पे फॉलो किया था लेकिन जब हम ओवरऑल किनशिप पैटर्न की रीजनल वेरिएशन देखते हैं तो उसमें आपको नाम देखने को मिलेगा डॉक्टर इरावती कार्रवाई में आगे भी बताऊंगी ठीक है फिर स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल्स ऑफ किनशिप रॉबिन फॉक्स ने चार बेसिक प्रिंसिपल्स दिए हैं किनशिप के पहला हो गया वुमेन दे बेयर चिल्ड्रन मेन इम वुमेन ठीक है नेचुरल चीज है जो मेन है डोमिनेंट यूजुअली वो होते हैं और प्राइमरी किन्स होते हैं दे डू नॉट मेट विद ईच अदर प्राइमरी किन आपके कौन से हो गए जैसे मदर फादर ठीक है ब्रदर सिस्टर ये जो रिलेशन है आपके प्राइमरी किन्स होते हैं जो आपके सबसे क्लोज रिलेटिव होते हैं ये किन्स के जो टाइप्स हैं ये भी हमें आगे देखने द रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ब्लड टाइज इज कॉल्ड कंसेंटुनस किनशिप वो हमने बोला ठीक है और इस टाइप के किन्स को आप कॉन्सेंगुनस किन बोलोगे द काइंड जो मैरिज पे बेस्ड होता है उसको हम एफिनल बोलते हैं एफिनल रिलेशनशिप या एफिनल किन्स इनको एफिनस भी बोला जाता है आगे आगा एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स एग्नेट्स होते हैं पर्सन रिलेटेड जो होते हैं आपके डिसेंट से फॉर एग्जाम्पल वो ग्रैंड फादर सन जो फादर की लाइन से सिर्फ ट्रेस होते हैं ठीक है उसमें मदर या वो वाला कोई नहीं आता है तो ग्रैंड फादर सन फादर फादर्स ब्रदर ग्रैंड सन वो सारे एग्नेट्स हैं कॉग्नेट होता है बायोलेट्रल या कॉन्सिग्नल किन्समैन और किन्स वुमेन इसमें दोनों आ जाते हैं क्लोजेस्ट ऑफ ऑल कॉग्नेटिक रिलेशनशिप इज दैट बिटवीन इज दैट बिटवीन चिल्ड्रन ऑफ सेम फादर एंड मदर तो जो सिबलिंग्स होंगे आपके क्लोज ब्लड रिलेटिव तो वो मैन भी हो सकता है एंड वुमेन भी हो सकता है उनको हम कॉग्नेटिक बोलते हैं कॉग्नेट्स बोलते हैं फिर आपके सोशल कल्चरल किन्स होते हैं ये बाकी किन से हटके हो गए मैरिज में जो चलो वो तो डिटर्मिन है मैरिज वाले किन्स होंगे ब्लड वाले किन्स भी होंगे जो सोशल कल्चरल किन्स होते हैं जो आप अपनी मर्जी से बनाते हो ठीक है चाहे वो रिलीजियसली आप आ, जैसे किसी एक सेक्ट को फॉलो करते हो ठीक है तो फिर आपकी उनके साथ वैसी बॉन्डिंग बन जाती है वो भी आपके काइंड ऑफ रिलेटिव बन जाते हैं या होमोसेक्सुअल फैमिलीज है मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में या आप देख लो फैमिली ड्यू टू न्यू रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी सरोगेसी वगैरह से जो फैमिलीज बनती हैं तो इसमें और एक डायमेंशन भी एड किया गया सोशल किनशिप्स इसको सोशल या कल्चरल किन्स भी बोला जाता है नेक्स्ट इज योर लीनियर एंड कोलेट्रल किन लीनियर किन होता है एक पर्सन हु इज रिलेटेड बाय अ डायरेक्ट लाइन ऑफ डिसेंट सच एज फादर फादर्स फादर सन सन ठीक है एक डायरेक्ट डिसेंट आपको मिल जाता है जैसे ये आप हो ये आपके फादर हो गए ये उनके फादर हो गए ये आपके सन हो गए एक डायरेक्ट लाइन ठीक है अब कोलेट्रल किन क्या होगा ये आप, अगर आपके फादर है ठीक है फादर का कोई ब्रदर होगा फिर ब्रदर के ऑफ होंगे आगे तो जो लीनियल किन के डिसेंडेंट्स होते हैं आर कॉल्ड कोलेटरल किन्स फॉर एग्जाम्पल फादर्स ब्रदर इज लीनियल एंड जो आपके फादर्स के ब्रदर के बेटे होंगे आपके जो कजन होंगे जो आपके लीनियल किन के आगे डिसेंडेंट हैं ठीक है ठीके? वो आपके कोलेटरल किन होंगे तो ये दो टर्म्स भी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं कभी ये याद रख लेना आगे देखते हैं मोड ऑफ़ यूज़ एकॉर्डिंग टू मर्डॉ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन किन्स किनशिपिपिपि टर्मनोलॉजी एंड किनशिप बिहेवियर जो है वो रिफ्लेक्ट होता है मोड ऑफ़ यूज़ में कि हम कैसे जो हमारा किनशिप के लिए क्या टर्म्स यूज़ करते हैं एंड क्या बिहेवियर है उसके लिए हम दो चीज़ें दो कैटेगरीज में उसको डिवाइड करते हैं किम्स ऑफ किम टर्म्स ऑफ एड्रेस दैट मीन्स आप डायरेक्टली किसी को एड्रेस करो फॉर एग्जाम्पल मेरे पापा है मम्मा है नाना है नानू है ठीक है टर्म्स ऑफ रेफरेंस जब आप किसी को उनके सामने बुला रहे हो ना आप किसी को रेफर कर रहे हो किसी और के थ्रू रेफर टू ए पर्टिकुलर किन रिलेशन दैट इज वट यू कॉल सम वन वैन टॉकिंग अबाउट देम अब आप फ्रेंड से बात कर रहे हो कि मेरे नानू ऐसे हैं तो यूजली फिर ऐसे बोला जाता है ना मेरे नान मेरी मामा की बहन है ये मेरी मामा की बहन है आप ऐसे इंट्रोड्यूस करवाते हो तो आप रेफर कर रहे हो इसमें आप डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हो इसमें आप किसी तीसरे को रेफर कर रहे हो कि मेरी मामा की मामा है ये मेरी मामा के ये पापा हैं तो उनको टर्म्स ऑफ रेफरेंस या टर्म्स ऑफ एड्रेस बोला जाता है रेंज ऑफ एप्लीकेशन इसमें मॉर्गन ने अगेन हमें दो टाइप दिए थे क्लासिफिकेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव क्लासिफिकेटरी होता है जब आप मैन टू और मोर काइंड ऑफ रिलेटिव आर इंक्लूडेड इन अ सिंगल टर्मिनोलॉजी आप सिंगल टर्म यूज करते हो आप अंकल सबको बुलाते हो आप ये मेरे अंकल है ये मेरी आंटी है वो चाहे मासी को बोलो बुआ को बोलो जो लोग मासी बुआ बोलते हैं जो थोड़ी दूर के रिलेटिव होते हैं ना या ऐसे रस्ते पे कोई चल रहा है आपका ऐसे रिलेशन बन गया उनके साथ सोशल किनशिप बन गई उनके साथ तो आप उनको अंकल आंटी करके एड्रेस करते हैं उसको हम क्लासिफिकेटरी बोलते हैं फिर रेडक्लिप ब्राउन ने फर्दर क्या किया है तीन प्रिंसिपल दिए हैं क्लासिफिकेटरी टर्मिनोलॉजी के पहले है यूनिटी ऑफ सिबलिंग ग्रुप वो होता है जब आपके वो आप एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हो सारे कजन के लिए भैया दीदी वाला

उनकी मदर हो गई फिर मदर की मदर हो गई उनकी मदर हो गई अप टू थ्री जनरेशन वो क्या करते हैं उन सबको मदर ही बोलते हैं और जितने भी मेल रिलेटिव हैं मदर साइड से उन सबको वो मामू या मदर्स ब्रदर करके रेफर करते हैं ठीक है तो ये चीज भी याद रख लेना एंड थर्ड वन इज द यूनिटी ऑफ जनरेशन इसमें क्या होता है सेम एंड ऑल्टरनेट जेनरेशन जो होते हैं उसके लिए आप डिफरेंट टर्म्स यूज करते हो सेम जनरेशन के जो है उसमें कोई डिस्टिंक्शन आप नहीं करते ऑन द बेस ऑफ जेंडर ठीक है और जो अल्टरनेट जनरेशन होते हैं उसमें जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह होते हैं उनके साथ आपका अच्छा रिलेशन होता है इक्वालिटी फ्रेंडली है तो उनको आप अकॉर्डिंगली बुलाते हो लेकिन जो आपके सेम है जैसे आपके पेरेंट्स हो गए से असेंडिंग जनरेशन होता है पेरेंट और चिल्ड्रन का जो ये होता है जनरेशन उसको असेंडिंग जनरेशन बोलते हैं ना इमिडिएट जनरेशन जो आता है पेरेंट का वो उसके चिल्ड्रन हो गए ठीक है तो उसमें क्या होता है सुपीरियोटी सब ऑर्डिनेशन वाला थोड़ा ये आ जाता है आप पापा को जो मर्जी करके नहीं बुला सकते हो दादू के साथ आप थोड़ा कैजुअल होते हो तो ये आ यूनिटी ऑफ जेनरेशन तो यहाँ पे आपको क्या चीज याद रखनी है कि ये जो आपको टर्मिनोलॉजी है क्लासिफिकेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव ये मॉर्गन ने दी थी लेकिन फर्दर क्लासिफिकेटरी को तीन प्रिंसिपल्स में किसने डिवाइड किया था ब्राउन ने उसमें सिबलिंग्स का आ गया था लीनियज का आ गया एक दूसरा लीनियज का तीसरा आपका जेनरेशन का आ गया तो डिस्क्रिप्टिव क्या होता है जो आपके क्लोज होते हैं, उनको आप पर्टिकुलर नाम से बुलाते हो ना तो आप पापा सबको तो नहीं बोल सकते ना ना मम्मा सबको बोलोगे ठीक है तो ये कुछ नाम्स होते हैं जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं पर्टिकुलर रिलेशन के लिए होते हैं तो यहाँ पे एक ये भी है चार्ट अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो ये कुछ एब्रीवेशन जीनोलॉजिकल एब्रीवेशन को बोला जाता है एफ से फादर मदर्स सान मदर्स ब्रदर तो ये एक डायग्राम मैंने ऐड की है अगर आपके इंगो नोट से है तो हो सकता है एग्जाम में ऐसे बन के कोई क्वेश्चन आए फादर सिस्टर ना लिखा हो एफ जी लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए एफ जी क्या होता है आगे देखते हैं प्राइमरी सेकेंडरी किन्स ये आपको अलग से एक्सप्लेन करती हूँ सिंपल तरीके से फिर हम डेफिनेशन देखेंगे तो बेसिकली प्राइमरी किन्स कौन से होते हैं जो आपके क्लोज सबसे ज्यादा होते हैं आपके फैमिली मेंबर्स वो कौन से हो गए आपके मदर फादर सिबलिंग्स आपके तो आपके आपकी मदर आपकी प्राइमरी किन है ठीक है एंड हम एग्जाम्पल के लिए और एक चीज लेते हैं आपकी सिस्टर आपकी प्राइमरी किन है एंड सेकेंड इज योर सेकेंडरी किन तो एस सी दुबे ने क्या कहा था प्राइमरी किन्स आपके एट होते हैं ठीक है मर्ड रॉक ने कहा था थर्टी थ्री सेकेंडरी किन्स होते हैं टर्सरी वन होते हैं तो ये चीज आपको याद रखनी तो है तो एट बेसिक आपके प्राइमरी किन्स है यहाँ पे फॉर द सेक कन्वीनियंस एंड एग्जाम्पल हम मदर एंड सिस्टर की एग्जाम्पल लेते हैं मदर आपकी प्राइमरी किन है सेकेंडरी किन कौन हुआ जो आपके प्राइमरी किन का प्राइमरी किन है आपकी मदर प्राइमरी किन है ठीक है तो जो मदर की प्राइमरी किन है फॉर एग्जाम्पल मदर सिस्टर वो मदर के लिए तो प्राइमरी किन हुई लेकिन आपकी क्या होगी वो मासी आपकी मासी आपकी सेकेंडरी किन है ठीक है तो अब यहाँ पे आप सेंटर कौन है आप हम किसको डिटरमिन करें ईगो यहाँ पे कौन है ईजीओ ईगो जहाँ पे भी आपने देखा होगा उसका मतलब आप होता है ठीक है तो आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले रहे हैं किसी की भी आर की एग्जाम्पल ले रहे हैं तो आर यहाँ पे आप हो तो आपकी आर की मामा आर की प्राइमरी किन है ठीक है और आर की सिस्टर आर की प्राइमरी किन है यहाँ पे आपको सेकेंडरी किन देखने है अपना <coughs> तो आप क्या देखोगे जो आर की मामा है ठीक है आर मदर और यहाँ पे आर की मदर की सिस्टर है तो आर की जो मदर है उनका प्राइमरी किन कौन हुआ उनकी सिस्टर उनका प्राइमरी किन हुआ तो वो आपका सेकेंडरी किन बन गया ठीक है तो प्राइमरी किन ऑफ योर प्राइमरी किन वो आपका सेकेंडरी किन है क्लियर है <coughs> सिंपल आपको बताने के लिए मैंने एग्जाम्पल ली फिर अब आप थोड़ा गैस करो किन क्या होगा जो आपके प्राइमरी किन का सेकेंडरी किन है या दूसरी तरीके से आप बोल सकते हो जो आपकी सेकेंडरी किन का प्राइमरी किन है आपका जो सेकेंडरी किन है यहाँ पे हमने निकाला सेकेंडरी किन किन कौन है आपका मासी तो मासी का प्राइमरी किन कौन होगा मासी का सन या डॉटर कोई भी तो जो आपका मसेरा भाई या बहन है वो आपकी वो आपका टर्शरी किन हुआ तो प्राइमरी किन ऑफ योर सेकेंडरी किन इज टर्शरी किन क्लियर हो गया आपका प्राइमरी किन फिर आपके प्राइमरी किन का प्राइमरी किन आपका सेकेंडरी किन है देन आपके सेकेंडरी किन का प्राइमरी किन आपका टर्शरी किन है ठीक है तो अगर आपकी मामा आपका प्राइमरी किन है तो मामा की जो बहन है वो मामा के लिए प्राइमरी किन हो गई तो मामा आपकी प्राइमरी किन बन गई मासी आपकी सेकेंडरी किन बन गई क्योंकि वो आपके प्राइमरी किन का प्राइमरी किन है आपके प्राइमरी किन कौन आपकी मामा तो जो मासी का प्राइमरी किन है वो आपका टर्सरी किन है मासी आपकी सेकेंडरी किन है तो जो मासी का बेटा बेटी या उनका हस्बैंड हसबेंड हस्बैंड है वो आपका टर्सरी किन बन गया क्योंकि वो आपके सेकेंडरी किन का प्राइमरी किन है यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है एस दुबे ने कहा था ये आठ होते हैं और मर्डॉक ने कहा था यहाँ पे शायद मैं नाम लिखना भूल गई हूँ मर्डॉक और एस दुबे आप याद रखोगे मर्डॉक ने कहा था थर्टी टाइप्स ऑफ सेकेंडरी किन है एंड टाइप्स ऑफ टर्स्ट्री मर्डॉक ने कहा था ठीक है आगे चलते हैं lineage जो है हमें अभी तक मैंने आपको बहुत बार बोला इज डिसेंट ग्रुप इन विच मेंबर्स में रेस्ट इधर ऑन पेट्रिलीनियल डिसेंट और मेट्रिलीनियल डिसेंट अब क्लान क्या होता है देखो ये यूनिलिनियल डिसेंट ग्रुप है मेंबर्स जो क्लेम करते हैं या तो पेट्रीन लिनियल डिसेंट या तो मेट्रुलनियल डिसेंट ठीक है लेकिन वो कितना पीछे जाएंगे आप डिसेंट क्या ट्रेस कर रहे हो बेसिकली अपनी लाइन ट्रेस कर रहे हो ना ये अगर आप हो यू ये आपकी मदर है ये आपकी ग्रैंड मदर है ये आपकी ग्रेट ग्रैंड मदर है तो फर्स्ट जनरेशन हो गई सेकेंड जनरेशन पीछे थर्ड जनरेशन पीछे चले गए फोर्थ जनरेशन पीछे चले गए फिफ्थ जनरेशन पीछे चले गए सिक्स जनरेशन पीछे चले गए फॉर एग्जाम्पल सिक्स जनरेशन तक आपको पता है कि कौन है कौन है आगे आगे आपको भी नहीं पता होगा कि कौन है तो जब एक अननोन इंसेस्टर से आप खुद को ट्रेस करना शुरू कर देते हो किसी अननोन लीनियज से आप खुद को ट्रेस करना शुरू कर देते हो अननोन तो वो एक मिथिकल फिगर हो सकता है ठीक है कोई एक गॉड से कर लिया या किसी एक ऑब्जेक्ट से कर लिया ठीक है जो आपके लिए नो no नहीं होगा उसको हम क्लान बोलते हैं और इंडिया के कॉन्सेप्ट में इसको गोत्र बोलते हैं जो हमने गोत्र पढ़ा था मैरिज वाले में गोत्र वही क्लैन होता है इंग्लिश में ठीक है जब आप अनोन मिथिकल मिथोलॉजिकल इन एनसिस्टर या एनसेस्टर से अपनी लीनेज ट्रेस करते हो क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है ना फॉर छह जनरेशन तक आपको पता है कि फॉलोइंग पर्सन है उसके आगे आपको पता ही नहीं है तो आप क्या कहते हो दूर एक कोई मेथिकल एनसिस्टर है हम सारे जो है हम उन्हीं की प्रजाति है तो उसको हम क्लैन बोलते हैं द एनसेस्टर और मिथिकल एनसेस्टर जो है थ्रू हुम द डिसेंट इज क्लेम मे बी वो ह्यूमन भी हो सकता है एनिमल प्लांट या कोई इन एनिमेट ऑब्जेक्ट फॉर एक्साम्पल स्टोन ये भी हो सकता है ठीक है जो गोत्र ग्रुप है हिंदू का वो रिप्रेजेंट करता है क्लैन को क्लैन लार्जर ग्रुप्स होते हैं एंड आर जोग्राफिकली मोर डिस्पर्स ठीक है ज्यादा फैले हुए होते हैं उनका एक कॉमन टॉटमिक नेम होता है और कुछ रिचुअल्स होते हैं <coughs> और जो वो टोटम क्या होता है बेसिकली वो जो आइडल होता है जिससे वो खुद को ट्रेस करते हैं चाहे वो कोई प्लांट हो या कोई एनिमल हो उसको टोटम बोलते हैं उस टोटम को वो मार नहीं सकते दे के नॉट किल दैट टोटम दे के नॉट ईट दैट टोटम ठीक है उसकी वो वर्शिप काइंड करते हैं तो फैक्ट्री क्या होता है आपका ग्रुप ऑफ क्लांस जो रिलेट होते हैं बाय थ्रू अ कॉमन डिसेंट ठीक है जो अपने क्लांस अभी पढ़े थे वही ग्रुप बना के क्या बनता है फैक्ट्री बनता है तो बेसिकली फैक्ट्री क्या होगा क्लांस से बड़ा ही होगा क्योंकि ग्रुप ऑफ क्लांस है तो वही यहाँ पे लिखा है मोइटीज क्या होता है अगर आप किसी सोसाइटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे दो हाउस में तो उसको हम मोइटी बोलते हैं तो डिफेंट ग्रुप्स ऑफ ए सोसाइटी है और ऑर्गेनाइज इनटू टू मेन डिविजन उन डिविजन को हम मोइटीज बोलते हैं मिचअर हाफ्स ठीक है halves, तो आप इसको बोल सकते हैं बाइस सेक्शन ऑफ ए ट्राइब इंटू टू कॉम्प्लीमेंट्री सोशल ग्रुप्स कुछ राइटर्स जो है वो उसके लिए टर्म मोइटी यूज करते हैं मोटी के लिए यूज करते हैं सोशल दैट एक्सोगे कौन से होंगे जो ग्रुप के बाहर शादी करेंगे और कुछ यूज करते हैं उसके लिए एक टाइप की डुअल ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि आप क्या करते हो डुअल में डिवाइड करते हो एक चीज को दो हाफ में डिवाइड करते हो नेक्स्ट देखते हैं किन्सेप्ट यूसेजेस एंड बिहेवियर इसमें कैसे टाइप का आपका किन्सेप्ट यूसेज और बिहेवियर कैसा होता है किन्स के साथ उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है एक होगा आपका अवॉइडेंस एंड एक है एक जोकिंग रिलेशनशिप अवॉइडेंस क्या होता है फॉर एग्जाम्पल कुछ सोसाइटीज़ में ट्राइब्स में कास्ट में क्या होता है कुछ रिलेशंस के साथ हम थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं जैसे डॉटर इन लॉ एंड फादर इन लॉ वाला रिलेशन है तो थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश होते हैं फेस टू फेस कॉन्टैक्ट उतना नहीं होता है ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करना पसंद करते हैं इसको हम अवॉइडेंस कहते हैं यूजली नॉर्थ इंडिया में पेट्रीलिनियल सोसाइटीज में देखने को मिलता है एंड जोकिंग रिलेशनशिप आपने सुना होगा जैसे इंडिया में बोला जाता है साली आदि घर वाली जीजा साली कुछ सोसाइटीज में ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन के बीच में वो रिलेशनशिप बनता है ठीक है तो वो आपके हो गए जोकिंग रिलेशनशिप जो थोड़ा जिसने वो सेक्सुअल जोक्स वगैरह भी मतलब वो जोक्स भी वो मारते हैं बीच में तो जोकिंग रिलेशनशिप होता है उस टाइप का जो जीजा साली वाला रिलेशन है अवॉइडेंस बनता है जो थोड़ा आप अवॉइड करते हो कॉन्टैक्ट करना डायरेक्टली जोकिंग रिलेशनशिप जो है वो एग्जैक्ट अपोजिटि है किसका अवॉइडेंस का ठीक है इन कंट्रास्ट टू अवॉइडिंग फेस टू फेस इंटरेक्शन डॉटर इन लॉज है प्रिविलेज टू बी एट ईज विद यंगर किंग्स ऑफ द हस्बैंड वही ना बाबी देवर एंड जी साली एंड ऑल तो कुछ अवॉइडेंस के एग्जाम्पल देख लो यू का फिर ऑस्ट्रिया ऑफ सीलॉन ये याद कर लेना किस वाले ट्राइब में किस टाइप का जोकिंग रिलेशन अवॉइडेंस रिलेशनशिप जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है जैसे सन इन लॉ फादर इन लॉ के बीच में ऑस्ट्रियाक में होते हैं मैरिड मैन एंड हिज मदर इन लॉ ठीक है औरटाज में भी मदर इन लॉ एंड सन इन लॉ और वेदास में एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर्स के बीच में जोकिंग एग्जाम्पल मैंने बताया जोकिंग क्या होता है? Orisa, कहीं पे का होता है फिजी आईलैंड में सन इन लॉ एंड उनका जो फादर इन लॉ है उनके बीच में चलता है तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो है आपको याद करने हैं बेसिक मैंने आपको बता दिया ये होता क्या है रेडक्लिप ब्राउन ने एक बुक लिखी थी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रमेटिव सोसाइटी जिसमें उन्होंने कहा था जो इस टाइप की रिलेशनशिप्स एंड जोकिंग रिलेशनशिप्स वो एक्ट करते हैं सेफ्टी वेल्व सेफ्टी वेल्व होते हैं क्योंकि जो भी आपके अंदर इमोशंस एंड फीलिंग्स जनरेट मतलब जमा हो जाती हैं आपके अंदर रिलेशन को लेके उनको आप मजाक वाले तरीके से निकाल देते हो ठीक है तो उसको इसीलिए सेफ्टी वेल्व कहता है कि आपको लड़ाई नहीं करनी पड़ती अपनी बात बोलने के लिए आप मजाक मजाक में बहुत कुछ बोल जाते हो तो ये सेफ्टी वेल्व एक्ट करता है इसको सेफ्टी वेल्व जोकिंग रिलेशनशिप को किसने कहा था रेड क्लिप ब्राउन ने तो ये बेस्ड होता है इंटीमेसी एंड क्लोजनेस पे एक हो गया आपका एवेनकुलेटर एमिकेट टाइप ऑफ किनशिप्स एवेनकुलेट होता है जहां पे आपकी लाइफ में मामू की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू योर फादर तो जो मदर्स ब्रदर हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ठीक है उसका दूसरा पर्सपेक्टिव है एमिटेट एमिटेट होता है जहां पे फादर सिस्टर की इम्पोर्टेंस ज्यादा होती है एज कम्पेयर टूथ मदर्स तो सिंपल लैंग्वेज में एमिटेट आपका बुआ का हो गया बुआ की वैल्यू ज्यादा होगी एंड एवंकुलेट में क्या हो गया मामू की वैल्यू ज्यादा होगी कुछ केस में तो फैमिली लीनेज ही ट्रेस होती है वो मामू की प्रॉपर्टी मिलती है ठीक है और फादर की नहीं मिलती है तो ये सारी चीजें भी होती हैं इंडियन सोसाइटीज में और वर्ल्ड वाइड भी तो एवेनकुलेट एंड एमिटेट से याद रखना एमिटेट इज बो एंड एविनकुलेटेज ए मामू तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है उनको आप याद कर लेना तो ये अंडरस्टूड है एविनकुलेट फैमिली कहाँ पे होंगी मेट्रोलिनियल सोसाइटी में जहाँ मदर साइड वाला जो पड़ है वो बारी होगा एमिटेट हो गया सिस्टर और फादर आपकी बुआ ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है यहाँ पे भी एग्जांपल्स मैंने हाईलाइट करी हैं आपको याद करनी होंगी इसका एक रीजन ये भी हो, हो सकता है ये एमिटेट फैमिलीज बनाने का कि जो फादर्स की सिस्टर हैं आपकी बुआएं हैं खासकर वो बुआएं जो उन अपने इन लॉज के साथ नहीं रहती हैं कुछ रीजंस की वजह से उनकी वैल्यू कहीं कम ना हो जाए इसीलिए उनको ओवर इंपॉर्टेंस देने की आ, हो मतलब देने के लिए प्रैक्टिस हो जाती है आपकी मदर से भी ज्यादा कोविड देखो ये भी एक अनयूजल सा एप्लीकेशन है एक अच्छी चीज भी है ये कोविड में क्या होता है ये टोड़ा खांसी कार्य अरब तो साउथ अफ्रीका में फॉलो होता है नाम याद रख लेना तो एक जो वाइफ होती है जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उनके जो हस्बैंड होते हैं वो वैसे ही लाइफ स्टाइल जो है वो अपनाते हैं जो वाइफ की होती है ठीक है एंड इनफैक्ट डिलीवरी के बाद भी जैसे डिलीवरी के बाद वाइफ को कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं कोई एक पर्टिकुलर डाइट लेनी होती है हस्बैंड भी वही लेते हैं और डिलीवरी के टाइम भी कई ट्राइब जहाँ बिल्कुल फॉलो होता है जैसे वो पेट पे कुछ आ, स्टोन्स वगैरह भी टाई करके रखते हैं ताकि वो फील कर पाए कि प्रेगनेंसी में उनको वेट लेके चलना पड़ता है तो जो हसबेंड्स है वो आ, अपनी वाइफ्स को पूरा इमिटेट करने की उनका लाइफ स्टाइल जो भी है ड्रेसिंग उस टाइम का या जिन वो प्रॉब्लम से गुजर रही होती हैं वो सारी प्रॉब्लम्स अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की जो है वो ट्राई करते हैं एंड करते भी हैं वो कोविड टाइप ऑफ ये होता है कोविड स्ट्रक्चर वो एग्जाम्पल्स वगैरह हैं इसमें वो याद कर लेना खासकर जो इंडियन ट्राइब्स के रिलेटेड एग्जाम्पल्स होंगी वो आपको याद करनी होगी एग्जाम में ऐसे आ सकता है कोविड कहाँ प्रैक्टिस होता है किस कम्युनिटी में टोड़ा कम्युनिटी में या कोई और कम्युनिटीज का नाम होगा वहां से आपको चूज करना होगा टेक्नोनॉमी जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट है और इजी सा है बेसिकली टेक्नोनॉमी होता क्या है आप डायरेक्टली रेफर नहीं करते हो इसमें अपने किन को जैसे अभी भी फैमिलीज में होता है पापा का नाम मामा डायरेक्टली नहीं लेते हैं तो जैसे फलानी के पापा या चुन्नू के पापा मुन्नू के पापा ऐसे करके वो रेफर करते हैं ना तो किन को आप डायरेक्टली रेफर नहीं करते एज तो इज रेफर टू अनादर किन थ्रू अनादर दकिन ठीक है तो ट्रेडिशनल हिंदू फैमिलीज में यूजुअली ऐसा होता है वाइफ जो है अपने हस्बैंड का नाम डायरेक्टली मेंशन नहीं करती हैं कोपी ट्राइब्स में भी ये फॉलो होता है जेम्स फ्रेजर ने अगेन हमें कुछ ये देख दिए हैं एग्जांपल जहाँ पे ये टेक्नोनॉमी जो है वो फॉलो होती है तो ये आई गेस हम यहां पे लेक्चर स्टॉप करते हैं पहले रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस से थे अगर प्रॉपर्टी फादर से फादर से ट्रांसफर होती है एल्डेस्ट सन उसको प्राइमोजेनेचर बोला जाता है अगर फादर से ट्रांसफर होगी या डॉटर को या यंगेस्ट सन को उसको अल्टीमो बोला जाता है हमने दो स्कूल्स पढ़े थे मिताक्षर एंड दयाबागा जिसमें फादर को देनी ही पड़ती है सन को एज ए मैटर ऑफ बर्थ राइट तो ये कॉन्सेप्ट दिया था विजय नसवरा ने एंड दयाबागा जिसमें फादर की मर्जी है ये दिया था जमुत वाहना ने ठीक है एंड अगर यंगेस्ट डॉटर को प्रॉपर्टी मिलती है फादर की तो उसमें यंगेस्ट डॉटर को ककदू ही बोला जाता है कहाँ पे खासी ट्राइब में वो कहाँ पे मेघालय में तो मेघालय में एक ट्राइब है खासी ट्राइब जहाँ पे यंगेस्ट डॉटर की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है प्रॉपर्टी उनको मिलती है ठीक है उनका नाम क्या उनको दिया जाता है ककदू ही तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम आ, देखेंगे एक ही टॉपिक हमारा बचता है रीजनल वेरिएशंस का वो नेक्स्ट टॉपिक में कवर होगा और नेक्स्ट वीडियो में ही फिर हम हमारा फाइनल चैप्टर जो है यूनिट वन का वो स्टार्ट करेंगे तो टिल द टाइम आई अपलोड नेक्स्ट वीडियो बाय बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे